सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेक गुरु स्कूल को और बेल आइकन को दबाइए रोज नई टेक वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय दवे टेक गुरु स्कूल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जियो की वॉच है जो जियो धन धनाधन के अंदर हमें 100% कैशबैक के 8 वाउचर दिए जाते हैं, उस वाउचर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो उससे पहले कुछ जरूरी बातें जो बताने में आपको जरूरी समझूंगा, तो वो बातें आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है, तो आप प्लीज ये बातें ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जो जियो वाउचर दिए जाते हैं, ये जियो वाउचर का यूज आपको जिस भी नंबर पे दिया जाता है वही नंबर पे आप यूज कर पाओगे। दूसरे किसी भी नंबर, दूसरे किसी भी कंपनी या आपके दूसरे जियो नंबर पे भी आप जो है ये वाउचर यूज नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैंने जो करियर एग्जीक्यूटिव के साथ बात की उसके बाद मुझे पता चले। उसके बाद दूसरी जरूरी बात यह है दोस्तों कि ये जो जियो का वाउचर है वो आपकी जो अगर वैलिडिटी की बात करो तो 2 साल तक उसकी वैलिडिटी आपको मिलती है, ऐसा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया। मतलब मान लो अभी हमने जियो धनाधन के अंदर रिचार्ज करवाया है जो ट्रिपल कैशबैक का, तो नहीं दोस्तों लेकिन जो 100% कैशबैक का था, तो उसमें ऑलरेडी हमें 3 महीने की या आप 2.5 महीने की बोलो तो वैलिडिटी मिल गई है। लेकिन अगर आप फिर से जियो का वाउचर यूज करने के बाद उसी नंबर पे रिचार्ज करवाओगे तो आपको ट्रिपल कैशबैक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वही नंबर पे आप जो है वो जियो वाउचर का रिडीम कर सकते हो। मतलब कि आप दूसरे किसी भी नंबर पे ये जियो का वाउचर यूज नहीं कर सकते, ये बहुत ही जरूरी है जानना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लाइव बताता हूँ कि कैसे आप जो है वो जियो के वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हमारे मोबाइल पे, तो शाइन इन ऑल टेक गुरु स्कूल इज ऑन। उसी नंबर ये दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल के, तो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ माय जियो एप्स। तो माय जियो ओपन होने के बाद मैं जो आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो जियो के वाउचर यूज कर पाएंगे। तो ये दोस्तों हम आ चुके हैं माय जियो एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने पहले बताया उसी तरह आपको जो पहले नंबर पे वाउचर दिया गया है उसी नंबर पे आप जो ये वाउचर का यूज कर पाओगे, दूसरे वाउचर पे दूसरा नंबर पे आप यूज नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये मैं माय वाउचर में चला जाता हूँ, माय वाउचर के अंदर हमें 8 वाउचर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी उसके अंदर रिडीम का ऑप्शन नहीं आया। तो उसके लिए कौन सा जो स्टेप्स है वो हमें फॉलो करने रहेगा जिनकी मदद से हम जो है वो जियो का वाउचर का यूज कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी नो ट्रांसफर ऐसा दिखाई दे रहा है और 20 नवंबर के बाद यूज कर सभी क्लियरली मेंशन किया है। ये 8 वाउचर है, तो हम देखते हैं कि जो यूज करने के बाद कितने जो वाउचर है वो रिमेनिंग रहते हैं। तो फिर से मैं बैक चला जाता हूँ, बैक जाने के बाद दोस्तों आपको फिर क्या करना है तब आप जो है ये वाउचर का यूज कर पाएंगे। तो फिर जो आप ऊपर 3 लाइन दिखाई दे रहे हैं उस पर टाइप कर जो टैप करने के बाद आपको इधर रिचार्ज का जो तीसरा ऑप्शन है माई प्लान के नीचे उस पे टैप करना है। तो उस पे टाइप करते ही आपको बताया जाएगा दोस्तों कि रिचार्ज योर नंबर, रिचार्ज फॉर अनदर नंबर। तो मैंने पहले बताया दोस्तों कि अगर आप अनदर नंबर पे रिचार्ज करोगे जियो का ही भले वो नंबर हो लेकिन उसमें आप जो वाउचर यूज नहीं कर पाओगे, आपको ओनली फॉर जो भी नंबर पे वाउचर दिया जाता है उसी पे आप रिचार्ज कर पाओगे। तो इधर आपको जो पहले नंबर पे दिया गया है वाउचर उसी पे नंबर पे ही आप वाउचर यूज कर पाएंगे। रिचार्ज योर नंबर मतलब मेरा जो नंबर है योर नंबर, उसमें मैं अभी रिचार्ज करना चाहूंगा तभी मैं जो वाउचर का रिडीम का ऑप्शन देख पाओगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि वाउचर रिडीम आप जो है वो 300 या 300 से ज्यादा 399 का रिचार्ज अगर आप करोगे तभी आप जो है वाउचर रिडीम कर पाओगे। तो मैं इधर जो 399 वाला प्लान है उस पर टैप कर लेता हूँ और ऑलरेडी मेरा अकाउंट के साथ मेरा नंबर लिंक है, तो सीधा मैं चला जाऊंगा पेमेंट के ऑप्शन में। तो पेमेंट में ऑप्शन में आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि ये जो कुल जो अमाउंट है वो 399 रुपये, लेकिन अभी उसमें जो फिलहाल 50 रुपये का वाउचर हमारा कट जाएगा। तो 50 रुपये का वाउचर कट जाने के बाद हमें जो पे करने रहते हैं दोस्तों 349 रुपये। तो दोस्तों आप ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जियो का वाउचर अभी यूज हो रहा है, मतलब ये जियो का वाउचर आप जो है वो 2 साल तक यूज कर पाओगे। तो उसके ऊपर आप नीचे दोस्तों देख सकते हो ऑफर वाउचर अप्लाइड, मतलब कि ये वाउचर अभी इस रिचार्ज पे अप्लाइड हो गया है, और उसके नीचे दोस्तों क्लियरली मेंशन किया गया है कि 7 वाउचर रिमेनिंग, मतलब इसके यूज के बाद आप जो हो आपके पास 7 वाउचर बचेंगे। तो दोस्तों अगर आप उसका रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो मैंने रिचार्ज का डेमो का एक वीडियो बनाया है, फिलहाल मैं अभी उसमें रिचार्ज भी नहीं करना चाहता हूँ इस नंबर पे और मुझे वाउचर यूज भी नहीं करना है क्योंकि अभी मेरे पास उसके अंदर वैलिडिटी है, तो ये 2 साल तक अभी चलेगा। तो फिलहाल आज के लिए मैं इसमें रिचार्ज नहीं करूंगा, लेकिन आप रिचार्ज का डेमो देखना चाहते हैं
तो इधर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप जो सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, आप यूपीआई पेमेंट, जियो मनी, पेटीएम या क्रेडिट डेबिट या नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो रिचार्ज कर पाएंगे। अगर मान लो आप नेट बैंकिंग के थ्रू रिचार्ज करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करते ही आपको जो है बैंक सिलेक्ट करनी रहेगी। तो मैं इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लूंगा। तो स्टेट बैंक इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने उसका यूजर नेम और आईडी पासवर्ड एंटर करना रहेगा। तो आप इधर जो यूजर नेम और आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन करके कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और ओटीपी एंटर करने के बाद आपका जो रिचार्ज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है जियो का वाउचर यूज कर पाओगे। आप दोस्तों ने मुझे बहुत सारे आगे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो रिचार्ज डेमो था और हाउ टू यूज जियो वाउचर ऐसा मैंने मेंशन किया था। तो आप दोस्तों ने बहुत से मुझे सवाल किए थे कि ये वाउचर हम कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो जियो का वाउचर को यूज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं जैसे ही ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ऐसे नहीं इंटरेस्टिंग टेक और लेटेस्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।